welcome to learn for exam. my name is gurpreet singh. and finally, we did it. so, uh, as you can see, many posted by on instagram, facebook, subject about this that, uh, like ajak event with entrepreneur entrepreneurs star awards by sme biz, and we won for the best business in online ambience coaching. all right? and this is me, you can see. all right, and we won for 2021. And it's a big achievement for us, to be honest. and kaliski party, we hoge office, kandhari. सो so, uh, ये कैसे मिला कितनी मेहनत लगती है क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे एंड बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर यू डाउनलोड अव ऐप विच कम्स ऑन द एंड प्ले स्टोर एंड दिच इज लर्न फॉर एक्साम्प कैन जस्ट गो एंड सर्च एंड दिस विल हेल्प यू टू मेक यूर एम बी जर्नी एन ईजी एंड प्रोडक्टिव सो स्टार्ट ना द ओनली थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी एंड एक्सट्रॉर्डनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा सो so, किसी ने कहा था ये मुझे ये लाइन ही याद है बस क्योंकि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कभी किसी में अटक जाता हूँ तो बस यही होता है कि लेट सपोज ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने थोड़े टाइम पहले से जिम जाना शुरू किया है सो लेट सपोज वो कहते हैं कि दस रेप निकालने या फिर बारह सेट करने या समथिंग लाइक दैट जो भी कुछ कहते हैं और मेरी अगर हालत ख़राब हो जाए आठ पे या दस पे नहीं उठ रहे और और बारह करने तो मैं हमेशा यही लाइन सोचता हूँ कि जो डिफरेंस है ना सिर्फ ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में वो सिर्फ एक्स्ट्रा का ही है और कुछ नहीं है तो वो दो एक्स्ट्रा कर लो बात खत्म और यही चीज मैं चाहूंगा कि आप सब भी करो जब भी मैं कोई काम करता हूं जब मेरी भी यह हिम्मत सबकी टूटती है सबको ताने पड़ते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही दुनिया में ताने लग पड़ रहे हैं कि और बाकी सब तो भैया ऐसे ही बन गए बस आपको क्या लगता है कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी उठा के देख लेना क्या उसको कभी ताने नहीं पड़े होंगे हमेशा पढ़ते हैं हर किसी को पढ़ते हैं इट इज अ कॉमन थिंग और ये पूरे वर्ल्ड में है ऐसा नहीं कि इंडियंस के साथ होता है ये सब जगह होता है हर किसी को ताने पड़ते हैं हर किसी को बैक स्लैश जो होता है फेस करना पड़ता है एक बुरा टाइम आता है वो सब हर किसी को फेस करना पड़ता है ऑल राइट बट बुरे टाइम की एक अच्छी बात ये भी होती है कि बुरा टाइम कभी ना कभी खत्म होता है उसके बाद आपका एक अच्छा टाइम शुरू होता है ऑल राइट बट उस बुरे टाइम में आपने कैसा परफॉर्म किया वो उसी पर डिपेंड करता है कि आपका अच्छा टाइम कितनी जल्दी और कितना अच्छा आने वाला है अगर आपने उस समय अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो अच्छा टाइम और लेट आएगा और इतना अच्छा भी नहीं आएगा ऑलराइट राइट प्लीज़ मेक श्योर आप जो पढ़ रहे हैं जितने भी स्टूडेंट क्योंकि जिस जो इस चैनल को फॉलो करते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं डेफिनेटली वो या तो एम की तैयारी कर रहे हैं या तो कर चुके हैं या फिर अभी लाइफ में आगे सोच रहे हैं एम करने का ठीक है मेक श्योर एक चीज़ को हमेशा फॉलो करिएगा जब भी आप कोई काम करें उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए मैंने हमेशा यही फॉलो किया है मैं जो भी कुछ करता हूं तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता हूं कि चलो ऐसा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं बिना किसी के कहे उस काम को कर लो बिना किसी के कहे कि उसके अगर कह दे कि दस चीजें करनी है तो आप उसको ग्यारह करके दे दो यार तारीफ ही कर देगा थोड़ा काम उसने बोले नौ बजे कर दो तो आप आठ पचपन पे कर दो यार तारीफ ही कर देगा तो उस काम को थोड़ा पहले करने की कोशिश करिए एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए एक्स्ट्रा करने से आपका कुछ नहीं जाना और तारीफ बहुत मिलेगी और उसका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल होता है बट ये चीजें का रिजल्ट जो होता है वो थोड़ा देर में दिखता है मैंने 2017 में कंपनी स्टार्ट की थी अवार्ड मुझे अब जाके मिलने शुरू हुए ट्वेंटी ट्वेंटी वन और एक ट्वेंटी नाइनटीन में मेरे को पहला अवार्ड मिला था ट्वेंटी नाइनटीन में फिर सेकेंड उसके बाद मिला था फर्स्ट अवार्ड था लीडिंग ऑन इन एजुकेशन सेक्टर इन ट्वेंटी नाइनटीन फिर सेकेंड टाइम टॉप फिफ्टी में कंपनी ऑर्गेनाइज हुई इन दुबई जो दुबई में इवेंट हुआ था तब मैंने डाला था दुबई दिसंबर uh, ट्वेंटी नाइनटीन जस्ट कोरोना से थोड़ा टाइम पहले ही मैं दुबई होके आया था जब ठीक है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ना तो एक पूरा साल लग गया ट्वेंटी ट्वेंटी पूरा साल था फिर भी मैंने उसमें मेहनत करता रहा अपना करता रहा करता रहा ऐसा नहीं तो मैं घर पर बैठ गया मतलब कुछ नहीं कर रहे भाई हम तो बस क्योंकि मेरे डैड की भी तबीयत खराब होगी बहुत को पता है बहुतों को नहीं पता उसके बारे में ठीक है मतलब काफी बुरा टाइम था मेरे लिए ट्वेंटी तो ट्वेंटी जनवरी से स्टार्ट हो गया था बुरा होना आपके लिए तो फिर मार्च में आके खराब हुआ मेरा तो ट्वेंटी ट्वेंटी जनवरी से खराब था एंड स्टिल उस फेज से भी निकला एंड नाउ इन ट्वेंटी ट्वेंटी आपका बुरे टाइम में आप कैसा परफॉर्म करोगे वही आप डिफाइन करता है आप कैसे हो ठीक है सो प्लीज मेक श्योर ऑलवेज कीप दिस इन माइंड ऑलवेज डू सम लिटिल बट एक्स्ट्रा अगर आज आप एक दस क्वेश्चन करके उठने वाले हो तो कोशिश करो कि ग्यारवा क्वेश्चन भी करके उठो यार ये नहीं कि आठ क्वेश्चन उठ गए नेवर डू दैट दस क्वेश्चन करने का सोचा है ग्यारहवां क्वेश्चन करके उठेंगे हमेशा ये सोचो हमेशा पॉजिटिव सोचो हमेशा ज्यादा करने का सोचो पढ़ाई जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे पढ़ाई से तो सब बने हैं बिना कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने मेहनत से आप टॉप हंड्रेड की रिचेस्ट लिस्ट में देखोगे ना उसमें टॉप हंड्रेड के टॉप हंड्रेड में वही लोग हैं जो सिर्फ कुछ ना कुछ बन के वहां तक पहुंचे हैं कोई भी किसी के माँ बाप के पैसों पैसे टॉप हंड्रेड में नहीं आया एक बार ही को आ जाता है वो अगले साल निकल जाता है उस लिस्ट से क्यों क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाता तो अगर आपको उस टॉप हंड्रेड में बने रहना है उस लाइन में लगे रहना है कि यार बस बन के रहना है तो आपको एक्स्ट्रा करने की आदत तो करनी पड़ेगी हमेशा कुछ ना कुछ की फास्टलिंग ठीक है एक बड़ी फेमस कोट कोट है ये लाइक की फास्टलिंग ये बहुत जबरदस्त कोट मुझे अच्छी लगती है कि बस करते रहो मेहनत करते रहो ऑल राइट और रिजल्ट धीरे धीरे करके आएंगे ये नहीं है कि बस आज आपने स्टार्ट किया तो बस कल तो रिजल्ट है जी कल हो गया ऐसा हो सकता था कि ट्वेंटी में कमी स्टार्ट करता बस ट्वेंटी के उसी समय मुझे अवार्ड देते अरे आप तो, तो अरे आप तो ये बन गया आप तो वो नहीं हुआ ना मुझे भी दो साल लगे ना 2018 में तो 2017 में कुछ नहीं हुआ ताने ही मिल रहे थे जब मैं जॉब छोड़ के आया था बहुत हाईपिंग जॉब थी वो मैं छोड़ के आ गया ट्वेंटी सेवेंटीन में टू स्टार्ट दिस कंपनी एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू आई वॉज टीचिंग द एम बी ए स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैंने एम बी ए करनी मैं उस समय पढ़ा रहा था बिकॉज मैंने ट्वेंटी टू से सही अपने यहाँ पर जो आई एम एस होता है मेरे यहाँ पर टाइम है इन सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया था तो मुझे वहाँ से पता लगे ओके पढ़ा तो मैं सकता हूँ मेरी बातें सबको समझ आती हैं टीचर कैसा हूँ वो डिपेंड नहीं है बट मेरी बातें समझ आ रही हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ बस ये विश्वास लेके मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी एंड टुडे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आ चुका हूँ ट्वेंटी सिक्स बहुत बढ़िया कर रहा हूँ आई एमरी वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डूइंग एक्स्ट्रा कि अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ दस क्वेश्चन हो रहे हैं तो सोचता हैं यार चलो या तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कर लेते हैं कुछ सीख लेते हैं कुछ कर लेते हैं ठीक है वो एक्स्ट्रा हर रोज एक पाइलप पाइलअप करके अगर आप हर रोज दस क्वेश्चन करोगे और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे तो अगर आप तीस दिन पढ़े थर्टी डेज पढ़े तो आपने तीस क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए सोच रहे हो उसका इफेक्ट बाद में दिखता है टोटल में ये नहीं है कि वो एक दिन किया दो दिन किया फिर तीसरे दिन नहीं करना डोंट डू दैट हर रोज करो वो एक साथ जब चीज़ें आती हैं तब आपको पता लगेगा उसका इफेक्ट कितना बड़ा है राइट सो कीप डूइंग दिस एक्स्ट्रा बाकी एमबी ट्वेंटी वन का हमारा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है सेवंथ मई से स्टार्ट हो रहा है सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन इसमें लाइव क्लासेस होती हैं सारी रात को क्लासेस होती हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स और डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके एनरोल कर सकते हैं एनमेट स्नप का भी बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है सेवंथ मई से इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल हमारी लाइव टेस्ट सीरीज हमारी लाइव हो चुकी है कैट की एनमैट की और स्नैप की वो भी हमने लाइव कर दी है सारी के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं आप जाके दे सकते हैं एंड अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि हमने अवार्ड जीता है तो आई गिविंग यू डिस्काउंट कूपन कोट गेट ट्वेंटी यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन ऑल सीरीज जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी लाइव है कैट एन स्नैप साइट ज आपको 20 परसेंट ऑफ मिलेगा बट फॉर फ्यू डेज ओनली आज और कल के लिए बस ओके okay, सो so अभी जाके एनरोल कर लो 2021 में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो एनमेट स्नैप या कैट देने की तो डेफिनेटली वो टेस्टिस लेना अगर आप इन कोर्सेज में हो, तो आपको टेस्ट मिली जाएंगी। वो कोर्स के डिटेल में, में हमने लिखा हुआ सब यू हैव टू वरी फॉर दैट Baki you can check out the videos of 2020, 2019, 2018, 2017. From so many years, we are working very hard. We have great reviews for our live classes. You can see on your screen right now. And don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, and Snapchat. And hit the like button if like this video. Share this video with all your friends. And comment down below if you have any. Thank you very much. I am very happy today. Thank you. Bye-bye.